कलाकारी में राजनीति नहीं होता था जी, अब कलाकारी में लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारा रहते ऊ कैसे जी, रसगुल्ला खाए वाला बा तो कोई में नमकीनों खाए वाला बा, के उतनी मिर्चों काट के खाए वाला बा, तो सबका के सब तरह के चीज देवल जाला बड़े भाई आशीष वर्मा जी को और स्नेह उपाध्याय जी को, जो डोली आने वाली है हमारी फिल्म भुलैलू मौती हो भुलाजिल हो आज लेना नहीं आइल। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ भोजपुरी में। और इस वक्त हमारे बगल में जो बैठे हैं भाई, उनको वाला कौन नहीं पहचानता, तो इस वक्त हमारे बगल में बैठे हुए भोजपुरी के सुपरस्टार रॉक स्टार रितेश पांडे जी। तो मैं चाहूँगा कि समय का लॉस ना करें, फटाफट चलते हैं सर के पास। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ जी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सुपरस्टार बोला, आपने रॉक स्टार बोला, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा कुछ मानता नहीं। मैं एक भाई हूँ आपका, अपने भाइयों का जो हमें देख रहे हैं उनका भाई हूँ, बस भाई ही समझिए आप लोग। रितेश, रितेश भैया, रितेश हवा, बस क्या बात है, यही मैं खुश बने। तो अब जब रितेश जी आ ही गए हैं भाई, तो सुरों के सम्राट हैं ये, बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू है इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही अच्छे से गीत से करें। तो सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है पब्लिक के लिए, दो लाइन जरूर। तू भुलैलू मौती हो भुलाजिल हो आज लेना नहीं आइल, तोहरे नियनी हो बाट री सियारिल हो आज लेना नहीं आइल, तू भुलैलू मौती हो भुलाजिल हो आज लेना नहीं आइल। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि इस वक्त आप बनारस में हमको मिले हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं सर, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद भी कहेंगे हम लोग कि इतना कीमती टाइम, इतना वैल्यूएबल टाइम आपने हमारे लिए निकाला। तो किस मुद्दे से आप बनारस में मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी पब्लिक को बताएं। देखिए बनारस तो मैं बचपन से रहता हूँ जी, हाँ मेरा जन्म हुआ है बिहार में जी, सासाराम के पास एक जगह है करघर, लेकिन मैं बहुत छोटे से बनारस आ गया, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है जी। और बहुत लगाव है बनारस से, दिल से दिल में बसता है बनारस। एक तो बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसता है और एक हमारे दिल में बसता है। हमारे ही क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बनारस को बहुत चाहते हैं। और हम लोग ये फिल्म हल्दी कुमकुम का गाना यहाँ पे शूट कर रहे हैं जी। ये फिल्म हम लोग गुजरात में शूट कर चुके हैं पूरी तरीके से, और अब यहाँ पे बनारस में और बाकी सभी जगहों पे जाके हम लोग इसका गाना शूट कर रहे हैं। बनारस लास्ट पड़ाव है, हम लोग सिलवासा भी कहते हैं, दादरा नगर हवेली, और उसके बाद बनारस। बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस पे हम लोगों ने ये फिल्म शूट किया है, और जब ये फिल्म आएगी हल्दी कुमकुम, पेपर बॉय जी, अभी करके आए एमएलए दर्जी, और ये सब फिल्में जो डोली आने वाली है हमारी फिल्म, सरफरोश, रामकृष्ण बजरंगी, सैया थानेदार, ये सब सारी फिल्में हमारी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन के जो रेडी हैं। अभी कोरोना कोविड की वजह से सारा रिलीजिंग थोड़ा कैंसिल हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी फिल्में आप सभी के बीच में आएंगी, उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सब लोग अपना प्यार बनाइएगा रितेश जी पे। तो आजकल तो जहाँ देखो वहाँ रितेश जी की घंटी बज रही है। आपने आपका एक एल्बम आया था अभी नीलम गिरी जी के साथ, तो मैं चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा उस सॉन्ग को लेकर, थोड़ा सा शेयर करें। हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे उस गाने में जितने लोग हैं, अंतरा सिंह प्रियंका जी ने गाया है हमारे साथ, नीलम गिरी जी ने एक्ट किया है, जी डी बहादुर जी ने गाना लिखा है और छोटू रावत जी ने उसका संगीत दिया है जी। बहुत रत्नाकर सर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा ऐसा जो वर्ल्ड वाइड के मालिक हैं, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद हम लोग जे डी बहादुर यादव जी, जो जे डी बहादुर लिखते हैं, उनके पास हम लोग गए, हम लोग बोले कि कुछ बढ़िया चीज़ तैयार किया जाए। तो बहुत सभ्य आदमी हैं और बहुत
सुशील एंड बहुत मैं उनको जो जे डी बहादुर जी हैं उनको मैं एक आदर्श पुरुष मानता हूँ आज के डेट में जी। मैं उनसे हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता हूँ। एक इंसान को आज के डेट में जीना है तो वैसे ही जीना चाहिए। हम गुरुदेव को यहीं से प्रणाम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आपने ऐसा गाना लिखा और जिसको हमारे सभी भाई, सभी जो उत्तर प्रदेश और बिहार के या फिर प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, कहीं और भी रहते हैं, हमारे पास हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या गाया, मतलब कॉन्सेप्ट जी ये है कि हाँ भोजपुरी में बिना किए सब कुछ गाना पड़ता है, गाना पड़ता है, क्योंकि हमारे दर्शक हर टाइप के सुनने वाले हैं। कोई भाई रसगुल्ला खाए वाला बा तो कोई में नमकीनों खाए वाला बा, के उतने मिर्चों काट के खाए वाला बा, तो सबका के सब तरह के चीज़ देवल जाला हमने के सुने खातिर। ए जौन बा जौन घंटी गाना बाटे एकर प्रशंसा एकर हर तरफ से हमरा फिर फोन आता कि भाई क्या बात है, क्या गाना है, और कुछ कॉन्सेप्ट से हट के है, बिना अश्लीलता के है, और सबसे बड़ी बात कि मनोरंजक। किसी भी गाने का यही तात्पर्य होता है कि वो किसी का मनोरंजन करे, इंटरटेनमेंट होना चाहिए उसमें, और ये गाना इंटरटेन कर रहा है, लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम अपने सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी भाई जो इतना ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की चर्चा करूंगा मैं जो आपने गाया था हेलो कौन स्नेह उपाध्याय जी के साथ, तो वो गाना इतना हिट गया कि मतलब टिकटॉक से लेके हर जगह स्क्रॉल करिए तो रितेश जी का गाना ही मिलता था सबको, बाकी गाना मिलता ही नहीं था। तो क्या उम्मीद थी आपको कि मतलब गाना इतना ज़्यादा हिट कर जाएगा, कितना उम्मीद था आपको? गाना जैसे सारे गाने होते हैं उसी टाइप का ये भी गाना बना था जी। और किसी गाने से देखिए उम्मीद नहीं लगाई जाती, वो हो जाता है। पब्लिक किस गाने को कब कितना प्यार कर देगी ये किसी को पता नहीं रहता जी। और मैं बहुत बहुत, आपने हेलो कौन का नाम लिया तो आप सभी के माध्यम से मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा बड़े भाई आशीष वर्मा जी को और स्नेह उपाध्याय जी को, क्या बात, जिन्होंने, और सारे हमारे दर्शक को जो इस गाने को पूरे वर्ल्ड में दो हफ्ते तक सेकंड नंबर पे रखा और पूरे भारत में दो हफ्ते तक नंबर वन पे रखा इस गाने को, और आज भी हमारे भोजपुरी जगत में सबसे बड़ा गाना, सबसे ज़्यादा व्यूज वाला ये गाना है। और आप लोगों का अगर प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्द ये गाना 1 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस करेगा और हमारे भोजपुरी के लिए ये गर्व की बात होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक गाना 1 बिलियन क्रॉस किया। क्या बात है, ज़रूर हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा आपके साथ। तो ये जो एक क्वेश्चन मेरा है, शायद ही कोई लोग जानता होगा कि मतलब जब आपने शुरुआत की तो मतलब खुद के मन से की, खुद के चॉइस से की, या फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं रितेश जी आपको इस लाइन में जाना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए हम शुरू से ऐसे लड़के हैं जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। देखिए हम लोग मध्यम वर्ग के आदमी हैं, सही बात, हम लोग बिलोंग करते हैं एक मीडियम क्लास फैमिली से। तो इस दुनिया में, इस देश में सबसे ज़्यादा कोई पिसता है चक्की में तो वो मध्यम वर्ग ही पिसता है, सही बात, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा टैक्स भी मध्यम वर्ग ही देता है सरकार को, तो मध्यम वर्ग से रहने वाला लड़का मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं अपने पैर पे खड़ा रहूं। और इसी क्रम में मैं पढ़ाई कर रहा था, अच्छा खासा हमारा पढ़ाई भी चल रहा था जी। तो कुछ दोस्त, मैं गाता था ऐसे शौकिया गाता था, कुछ दोस्त थे बोले कि तुम अच्छा गाते हो यार, अच्छा गाते हो यार। तो एक दिन हम सोच रहे थे, हम आत्मचिंतन और मंथन बहुत करते हैं, आज भी करते हैं जी। एक दिन सोच रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो लोग बोलते हैं कि तुम अच्छा गाते हो इसको हम आगे लेके जाएं। सही बात। तो हमने सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं, फिर हमने एडमिशन लिया, फिर आगे की पढ़ाई मैंने कैरी ऑन की, मगर वो पढ़ाई हमने म्यूजिक से की, मैंने फिर ग्रेजुएशन किया म्यूजिक से ही, और उस करने के बाद फिर गाने लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया है, इतना प्यार, बहुत बढ़िया है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रितेश जी आप क्या कोई कंट्रोवर्सी में रहना नहीं चाहता है? भोजपुरी का जो भी स्टार है कोई नहीं चाहता कि मुझे कंट्रोवर्सी की तरफ ढकेला जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको चाहे बाकी सारे कलाकारों को कंट्रोवर्सी में ढकेल दिया करते हैं। और ऐसा मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा पब्लिक का क्वेश्चन है कि मतलब आपको ऐसे बार बार ढकेला जाता है
तो क्योंकि उसका कारण है ना जी, उसका कारण ये है कि अगर आप पहले कलाकारी में राजनीति नहीं होता था जी, अब कलाकारी में लोग राजनीति कर रहे हैं, अब कलाकारी में लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा रहते ऊ कैसे जी, हाँ लेकिन ये सोच सही नहीं है ना। काहे से कि भैया जब तू गए रह तब वो केहू रहे जी, तो जब ऊ तोहरा के ना रुकलस तो तू के होता वह दूसरा कलाकार के रोके वाला सही बात है। आउ रोकले रोकाई ना जौन भगवान लिख के भेजल हन केहू ना, जौन जौन भी होके रोक चाहे एजा रहे चाहे ओजा रहे भगवान जौन लिख देवलन ऊ केहू से कटले कटाला ना। सही बात, ठीक ना। तो अब खाली राजनीति होता है उसमें, लेकिन अंत में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता मेरे भाई। सही बात। और दुनिया में सब कुछ पैसे नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवहार। आज के डेट में ये परिभाषा हो गया कि ये बड़ा आदमी है, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है ना। समाज में इज्जत और सम्मान कमाने से लोग बड़ा होते हैं, पैसा कमाने से नहीं होते। पैसा सबके पास होता है, लेकिन समाज में जो इज्जत और सम्मान कमाए वही असली बड़ा आदमी होता है, और वही असली इस जीवन की कमाई है। मेरा बस यही कहना है। और मैं देखिए सच के साथ रहता हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी में ढकेला जाता है। तो अब हम उतना राजनीतिक आदमी है ना कि हम इतना सोचते नहीं कि हई कैला के बाद हमारा, तो लेकिन बुझाता अब सोचे के पड़ी ठीक ना। तो अब जैसन देश वैसन भेस। सही बात। तो इसी कंट्रोवर्सी के बीच आपका एक सॉन्ग आया था, जादो बबुआन सबे भाई भाई ऐसा करके कुछ सॉन्ग आया था, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं पब्लिक? हम देखिए हम ये मैं सोचना हम ऐसे लड़के हैं जिनको जिसको सभी लोगों ने दिल खोल के प्यार दिया। सही बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, लोग सोचे कि इसको पीछे कैसे ढकेले, इसको इसको इसके मार्ग में बाधा कैसे उत्पन्न करें। तो हमको लोग कंट्रोल अब क्या सोचते हैं लोग, इसको खोदेंगे तो ये चुप तो रहेगा नहीं, तो होगा कंट्रोवर्सी, होगा कंट्रोवर्सी। यही बात है कि इसको खोदेंगे तो ये चुप नहीं रहेगा, वो कंट्रोवर्सी होगा। सही बात है। कंट्रोवर्सी लोग बोलते हैं, कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुआ? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, अपना गाना गा रहा था। कंट्रोवर्सी मैं करना ही नहीं चाहता हूँ भैया, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ गाना गाना चाहता हूँ। हमारे सभी भाई जो भी भाई हैं, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आपका वही भाई हूँ रितेश, जिसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ, हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है जी। अब एक बात आपने बोली कि पीछे से ढकेला जाता है, तो आपको भी ढकेला गया होगा, जाहिर सी बात है, बहुत लोगों को पीछे से टांग खिंचाई की जाती है, तो मतलब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने कैसे मैनेज किया? कलुषित ऐसा होता है, जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं जी, ये ह्यूमन नेचर है। सही बात। ये किसी में भी होगा, लेकिन ये स्वाभाविक है जी। जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, और छोड़िए अब जाने दीजिए क्या बोले, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसे होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उतना सारा प्रॉब्लम्स आया, कैसे फेस किया आपने उसको, कैसे लड़ाई की उससे, कैसे? हमारे जनता का प्यार, हमारे पब्लिक का प्यार हमारे लिए हमेशा एकदम ढाल बन के खड़ा रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसे परिवार से हैं जिसे हमें ऐसा संस्कार मिला है कि भाई सच के साथ रहो, दुनिया में सब कुछ कामयाबी ही नहीं होता है। सही बात है। दुनिया में सब कुछ कामयाबी, और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, लोग ये सोचना सीख लें कि एक ना एक दिन ये सब कुछ छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के जाना है। ये लोग, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि ये लोग हमारे चाहने वाले, हमसे जुड़े लोग, या फिर हमारे ना चाहने वाले भी लोग, इस बात को सोचना सीख लें कि एक ना एक दिन ये सब छोड़ के जाना है। सही बात है। कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, तो क्यों ना भाई शांति और सुकून से जिया जाए, और इस समाज को, इस देश को, इस सबको खुशहाल बनाया जाए, क्योंकि नागरिक
पूरे भारत देश में जो भी नागरिक है उसी से देश बनता है। एक एक नागरिक, लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे तो क्या होगा, हम अकेले, हमारे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन नहीं, ऐसे सभी लोग सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, इसलिए कुछ नहीं होता है। अगर सभी लोग ये सोच लें कि हमारे करने से होगा तो क्या ऐसा है जो असंभव है, सब कुछ हो जाएगा। तो एक मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नहीं, मुझे शॉट पे जाना है, शूट पे, ठीक है ना, वो लोग खड़े हैं बाहर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सुना रितेश जी का और काफ़ी अच्छे हैं ये, तो मैं चाहूँगा कि इनके आने वाले मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, सबको अपना प्यार दुलार दे, ताकि ऐसे ही चमकते धमकते रहें हमारे रितेश जी। तो आज के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं शुभम सिंह विद कैमरा मैन सत्य भाई।